नमस्कार दोस्तों, आइए आप सबके YouTube चैनल प्रमोशन स्टडी क्लास में स्वागत है। आज मैं सुंदरकांड का वीडियो नंबर 2 लेकर के आया हूं, जो कि विभीषण और हनुमान जी के बीच वार्तालाप हो रही है। आइए हमारे दीपक सर से इसको मधुर स्वर में सुनिए। नमस्कार दोस्तों, सुंदरकांड रूपी अमृत सागर में आप सभी लोगों का स्वागत है। और आज हनुमान जी की चर्चा है, जो कि श्री रामचरितमानस का, रामायण का एक बहुत ही मुख्य किरदार हैं और श्री राम के अति करीब हैं। श्री राम जी ने भी कई बार अपने मुख से, अपने संबंधियों से, अपने चाहने वालों से हनुमान जी की चर्चा की है, उनकी विशेषता बताई है और उनके प्रति अपने घनिष्ठ प्रेम को प्रकट किया है। अगर आप भी अपने जीवन में हनुमान जी से जुड़ते हैं, उनका जो श्री राम के प्रति लगन और निष्ठा है उसको समझते हैं, उसका अनुसरण करते हैं और समर्पण की भावना आपके भीतर आती है, तो आपका भी जीवन सुंदर, सुखमय और खुशहाल हो सकता है। इसी संदेश के साथ आज हम लोग सुंदरकांड में प्रवेश कर रहे हैं, जो कि विभीषण हनुमान संवाद का एक हिस्सा है। आज बात हनुमान जी की है और हनुमान जी विभीषण जी से कुछ कह रहे हैं, तो आइए हम लोग इसको शुरू करते हैं। सुनहु विभीषण प्रभु कह रीति, करहिं सदा सेवक पर प्रीति। सुनहु विभीषण प्रभु कह रीति, करहिं सदा सेवक पर प्रीति। कहहुं कवन मैं परम कुलीना, कपि चंचल सबहीं विधिहीना। कहहुं कवन मैं परम कुलीना, कपि चंचल सबहीं विधिहीना। सुनहु विभीषण प्रभु कह रीति, करहिं सदा सेवक पर प्रीति। कहहुं कवन मैं परम कुलीना, कपि चंचल सबहीं विधिहीना। जय श्री राम। इसमें हनुमान जी विभीषण जी से कह रहे हैं कि हे विभीषण जी, आप श्री राम जी के गुणों को समझिए, आप उनकी प्रवृत्ति को समझिए। वो अपने सेवक से, अपने चाहने वालों से, सभी से बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं, बहुत ज़्यादा प्रेम, इतना प्रेम कि आप उस प्रेम को समझ नहीं पाएंगे। क्योंकि उस प्रेम को समझने के लिए आपको श्री राम को समझना पड़ेगा, श्री राम के करीब जाना पड़ेगा। और श्री राम के करीब, ईश्वर के करीब वही लोग पहुँच पाते हैं जो लोग सारे संसार की सुख सुविधाओं से वंचित होकर सिर्फ श्री राम की भक्ति करते हैं, यानी कि उनकी भक्ति में डूब जाते हैं। तो ऐसा करना बड़ा कठिन होता है, लेकिन इस कठिन काम को भी श्री हनुमान जी ने पूरे जीवन लागू किया और उसका अनुसरण किया, इसलिए वो श्री राम के अति प्रेमी हैं और सबसे ज़्यादा करीबी हैं। तो यहाँ पर हनुमान जी विभीषण जी से कह रहे हैं कि हे विभीषण जी, आप जो है श्री राम जी के स्वभाव को समझिए कि वो अपने सेवक से अति प्रेम करते हैं। और जरा मेरे ही बारे में सोचिए, मैं कौन सा बहुत बड़ा कुलीन हूँ, जाति से वानर का हूँ और मेरे अंदर बहुत सारी बुराइयाँ हैं, मैं बहुत सारे विधि से हीन हूँ, बहुत सारा अवगुण मेरे अंदर है, फिर भी श्री राम जी मुझको बहुत ज़्यादा चाहते हैं, बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं। तो आप ऐसा क्यों सोचते हैं कि आपके ऊपर उनकी कृपा नहीं होगी, आपसे वो प्रेम नहीं करते? भले ही आप लंका में रहते हैं, भले ही आपकी जाति राक्षस की है, लेकिन फिर भी उनका स्नेह आपके ऊपर उतना ही है जितना कि मेरे ऊपर है। जय श्री राम। धन्यवाद।